हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें अपने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को यह कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही, जीवन में कुछ भी होता है अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से हमारा मतलब है चिंता करना, बिल्कुल होना कोई बुरी बात नहीं भी होती है, और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कोई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। हमारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। आप ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कोई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते हैं, हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उससे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर दीजिए। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे में जीवन शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय है। वैराग्य का अर्थ यह है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। ऐसा अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप उस यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं, इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें, यह वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचने का ये दूसरा उपाय। यदि ध्यान रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, समय और व्याकुलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। तो फ्रेंड, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।